अजमेर अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा में भाजपा की हार के बाद राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। जहां भाजपा के भीतर ही कई नेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं उन दावों की भी चर्चा है जो उपचुनाव के दौरान समय समय पर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने किए थे। दूसरी ओर अब कई दिग्गज आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए हैं। राजस्थान उपचुनाव में हार से पार्टी आलाकमान चिंतित है। इसके लिए हाल ही में बैठक कर हार की समीक्षा की गई और तय किया गया कि जल्द ही सत्ता संगठन में बदलाव किया जाएगा। भाजपा निष्क्रिय मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक हटाएगी और नए नेताओं को मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल में भी फेर बदल की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन सरकार के सामने वह नेता भी सिर दर्द है जो भाजपा के होते हुए विरोधी स्वर अपना रहे हैं। अलवर में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर रोहिताश शर्मा कह चुके हैं कि उच्च नेताओं तक जनता का फीडबैक पहुंचने नहीं दिया गया। के जो जिन लोगों को मिलाया जा रहा है, वो चूंकि जो भी मिलाया जा रहा था वो विधायकों की मर्जी से मिलाया जा रहा था, विधायकों की च्वाइस पर मिलाया जा रहा था, उसमें आम जनता नहीं थी ना। अगर ये आम जनता वसुंधरा जी तक पहुँचती, कई मौकों पर वसुंधरा जी को पता लगा तो वसुंधरा जी ने एक्शन किया, जैसे बहरोड में नहीं हुआ तो यहाँ करके डांड डपट लगाई। इसके अलावा कई स्थानीय नेताओं ने बड़ बोलापन अपनाया, वहीं टिकट तय करते समय गुटबाजी भी सामने आई। उधर अलवर शहर से पिछली बार टिकट के दावेदार रहे पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने भी मौका देकर वार किया और कहा कि विकास कम या ज्यादा होने से जनता नाराज नहीं होती, बल्कि उसके साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। वहीं चुनाव के दौरान भाजपा के दावे हवा हवाई भी साबित हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अलवर में सैकड़ों करोड़ के कामों को गिनाकर जीत के दावे करते रहे। खुद प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव ने 3 लाख मतों से जीत की बात कही। राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा। तीनों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे और आपने देखा होगा तीनों स्थानों का जो माहौल है कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब को समर्पित किए हैं और उन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक लोगों को मिला है, उन योजनाओं के कारण हम पुनः अजमेर लोकसभा भी जीतेंगे, अलवर लोकसभा भी जीतेंगे और मांडलगढ़ विधानसभा भी जीतेंगे। जनता जिसको आशीर्वाद दे रही हो उसको चुनाव कैसा लगेगा, उसको तो ये लगेगा कि हम कितने भारी मतों से जीतेंगे, बस ये चिंता है। बिल्कुल हम ये लगा रहे हैं कि निश्चित रूप से ऊपर वाले की कृपा से, जनता के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व से, अमित शाह के आशीर्वाद से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विकास से, परनामी जी के आशीर्वाद संगठन क्षमता से सारे विधायक और जनता निश्चित जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, निश्चित। इसके अलावा रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा और अलवर विधायक बनवारीलाल सिंगल आदि ने अपने क्षेत्र में पार्टी को बढ़त दिलाने और जीत के दावे किए थे, लेकिन लाखों की जीत के बजाय सत्तारूढ़ दल को करीब 2 लाख मतों से हार मिली। रिजल्ट बता देगा 1 फरवरी को कि रामगढ़ प्लस में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों के अंतर से इस लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कराएगी और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार की तरह राजस्थान भर में सबसे ज्यादा इन 17 विधानसभाओं के चुनाव है, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, 17 की 17 में अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी को जीत दिलाकर आदरणीय मोदी जी के पास भेजेंगे। उधर बदलाव करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस स्तर से यह परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही जाती है। वही पार्टी के ही भीतर उठने लगे नेतृत्व परिवर्तन के सवालों को भाजपा एमएलए प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह रजावत ने सिरे से नकारा है। हालांकि सुधार की आवश्यकता को बताने से यह विधायक भी नहीं चुके। विधायक भवानी सिंह रजावत के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तन से ज्यादा कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रहलाद गुंजल के अनुसार हार के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की बात करना बेकार है और समझदारी इसी में है कि बचे हुए इस कम समय में सब मिलकर आगे की तैयारी करें, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके।
गौरतलब है कि वरिष्ठ भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी शुरू से ही सरकार के खिलाफ रहे हैं और बजट सत्र के पहले दिन वे विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंच गए थे। वहीं चर्चा है कि कई और विधायक भी अंदरूनी तौर पर सरकार के खिलाफ है। साथ ही वित्त मंत्री का यह बयान भी चर्चित हो चला जो उन्होंने प्रदेश बजट के बाद दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने यह कह दिया था कि बजट की घोषणाएं सरकार के इस कार्यकाल में पूरा होने की कोई गारंटी नहीं। कुल मिलाकर आने वाला समय सरकार और संगठन के लिए खासा मुश्किल साबित होने वाला है। यह मुसीबत अब और बढ़ गई है क्योंकि हार कई नेताओं को पच नहीं पा रही। इससे जुड़ा नया विवाद तब शुरू हुआ जब रामगढ़ के भाजपा MLA ज्ञानदेव आहूजा ने एक कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए लोकसभा में प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव को टिकट देने को गलत बताया। साथ ही हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार बताया। सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है, तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीत नहीं आ रहा हूँ, चौधरी ध्यान देवा जा नहीं आ रहा, सरकार आ रही है और पूरी तरह से हारेंगे। अगर नेतृत्व का परिवर्तन नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बदला गया, तो बहुत बुरी हालत राजस्थान में होने वाली है। अभी तो 3 उपचुनाव है, राजस्थान विधानसभा की और लोकसभा की। इसके जवाब में डॉक्टर जसवंत यादव भी नहीं चुके और इस पर डॉक्टर नेता ने यहां तक कह डाला कि आहूजा को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। डॉक्टर यादव के इस बयान के जवाब में आहूजा दोबारा बेबाक होकर बोले और कहा कि वह यादव को आगरा ले जाकर इलाज करवाएंगे। अगर देश को भी लाभ नहीं, खुद को भी लाभ नहीं और पार्टी को लाभ नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान मानसिक परेशानी है, कहीं ना कहीं। ये मेरा डॉक्टर हो, क्योंकि मैं फिजिशियन भी हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ, कहीं ना कहीं परेशानी। कुल मिलाकर अगले विधानसभा चुनाव से पहले जहां वरिष्ठ नेता सुधार के लिए चिंतित हैं, वहीं कई स्थानीय नेता हालात को और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी आपसी लड़ाई पार्टी की छवि को भी आघात पहुंचा रही है।